अरे भाई क्या मूवी बनाते हैं यार प्रशांत नील, देख के तो मजा ही आ गया। मतलब अलग ही स्टोरीज, अलग ही एक्शन, मतलब और ऐसा बना दिया, मतलब पार्ट टू देखने का अब इंतजार में है। नमस्कार दोस्तों, मैं हम सूर्य, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सलार फिल्म का पब्लिक रिव्यू लेने जा रहा हूँ मैं, नाइट शो का, देखते हैं पब्लिक की क्या राय है, पब्लिक क्या कह रही है फर्स्ट डे फर्स्ट शो सलार फिल्म को लेकर गेटी गेस थिएटर में। एकदम बकवास है, मजा नहीं आया। फिल्म कैसी लगी भाई? एक नंबर भाई। पीछे कैसी? अच्छी थी, अच्छी थी। थैंक यू। फिल्म कैसी लगी भाई? पीछे कैसी लगी आपको? फिल्म कैसी लगी? बहुत हाई फाई, अच्छी। ओके सर, फिल्म हाँ सर हाँ, फिल्म अच्छी लगी, फिल्म बहुत अच्छी लगी। पर एक्शन बहुत हार्ड एक्शन है, प्रभात का बहुत अच्छा एक्शन है। हाँ मज़ा आया, एक नंबर का फिल्म है। कैसा था? अंदर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। भाई पीछे कैसी लगी आपको? अच्छी है फिल्म, बहुत अच्छा है, पैसा वसूल फिल्म है। प्रभास की एक्टिंग है उसमें सबसे मेन, डंकी से भी अच्छा है, सुपर है। भाई यार पीछे कैसी लगी सर, क्या कहेंगे फिल्म के बारे में? भाई पीछे कैसी लगी आपको? पिक्चर ठीक बनी। पीछे कैसी लगी ताई? बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। पीछे कैसी लगी भाई जी? पीछे कैसी लगी आपको? ऐसा मूवी बहुत बढ़िया, एक नंबर है और बहुत बढ़िया बात है। थैंक यू थैंक यू। पीछे कैसी लगी सर? अभी कमर विष्णु के म्यूजिक थोड़ा कम है, बाकी डायरेक्शन वगैरह स्क्रीन पर ठीक है, लेकिन म्यूजिक थोड़ा आपको डिसअपॉइंट किया था। म्यूजिक डिसअपॉइंट किया? म्यूजिक क्या, थोड़ा बीजीएम थोड़ा होना चाहिए था ना। म्यूजिक का पूरा डिसअपॉइंट है, पर म्यूजिक है ही नहीं। एक्शन अच्छा है? एक्शन अच्छा है, म्यूजिक बिल्कुल है नहीं। म्यूजिक का थोड़ा ये करना चाहिए था, उसमें थोड़ा डिसअपॉइंट। पब्लिक पूरा पब्लिक को पसंद आया गया, पब्लिक को पसंद आया, लेकिन म्यूजिक का बहुत लोग बोल रहे हैं प्रॉब्लम है। भाई आपको कैसे लगी मूवी? जबरदस्त थी, जो दोस्ती यारी दिखाए ना वो अच्छा थे। दिन बोले ही समझ आता था दोस्ती को क्या चाहिए। नहीं सबको पसंद आई क्या? हिंदी में पूरा जबरदस्त था। थैंक यू थैंक यू। कैसे लगी सर? एक नंबर। थैंक यू सर। पीछे कैसे लगी आप लोगों सर? बहुत एक नंबर भाई। एक्शन अच्छा है? प्रभास का एक्शन एक नंबर, फिल्म भी अच्छे है, मूवी बेहतरीन। कैसे करते हैं? थैंक यू सर थैंक यू सर। फिल्म कैसे लगी आप? पीछे कैसे लगी भाई? अच्छी पिक्चर थी सर। तो फिल्म कैसे लगी आप? अच्छा है मूवी, बहुत अच्छा है, दोस्ती के बारे में बनाया है। सबको पसंद आ रही है, सबको पसंद आ रही है भाई। आपका पैसा वसूल हुआ एकदम, थैंक यू थैंक यू। एक नंबर पिक्चर है भाई, एक नंबर। प्रभात एकदम कैसे काम किया? एक प्रभात भाई का ही रोल उसमें एकदम, एक फाड़ू एकदम रोल। सबको पसंद आई क्या? सबको पसंद आई, एनिमल से भी अच्छी पिक्चर है। थैंक यू सर। सर फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा था। थैंक यू। हाँ सर बेटा कैसी लगी पिक्चर आपको? बहुत अच्छी लगी। एक्शन सीन्स कैसे थे फिल्म में? वो तो बहुत ही अच्छा था। आपको अच्छा लगा बेटा? बहुत अच्छा। क्या सबसे अच्छा लगा फिल्म में, कोई सीन या कोई हीरो का परफॉर्मेंस? वो जब लास्ट में वो प्रभास जैसा सर काट देते हैं वो अच्छा लगा। जी जी सर आप बताइए आपको फिल्म अच्छी थी? ऑल ओवर फिल्म बहुत अच्छी थी, 5 out of 5 star। वायलेंट बहुत है, थोड़ा कम करके ज़्यादा अच्छा। अच्छा एक्शन कैसे है प्रभास लगा? अच्छा अच्छा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर थैंक यू। तो भाई पिक्चर कैसे लगी आप लोगों? एकदम रावो से सलाह, डोंकी से अच्छा है, बहुत अच्छा पिक्चर में। एक एक नंबर है भाई। पिक्चर कैसे लगा आप लोगों? पार्ट टू का इंतजार रहेगा, मजा आ गया यार। जल्दी से जल्दी पार्ट टू उधर है, जल्दी याद आया इसे हमको लोग। हाँ बढ़िया मूवीज है ये भी, बहुत बढ़िया अच्छा लगा। जी 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 आप लोगों को कैसी लगी फिल्म? तो अच्छा था भाई। पिक्चर कैसी लगी? तो फिल्म कैसी लगी आप? पिक्चर आप लोग भाई फिल्म कैसी लगी आप लोग? बहुत अच्छी मूवी थी। प्रभास सर का काम कैसे लगा? प्रभास सर का प्रभास सर एक नंबर भाई, एक्शन भाई। सेकंड पार्ट में यश को लेके आओ। यश को लेके आओ? हाँ रॉकी भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बॉलीवुड कैसी, बॉलीवुड कैसी लगी भाई? फिल्म कैसी लगी? कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी फिल्म? नाइस थैंक यू। कैसी लगी भाई लोग फिल्म? भाई जी फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत बहुत बढ़िया। दिस कम दिस साइड सर, टेल मी ऑनेस्टली क्या क्या अच्छा लगा या क्या जो भी है। आई मीन लाइक प्रशांत नील का वो फैक्टर, सो आई मीन लाइक प्रशांत नील का वो फैक्टर वो आपको ऑपोजिट दिखता है इस फिल्म में। एंड
इट्स मैजिकल, इट्स रियली गुड. आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते बट जिस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया गया है और क्लाइमैक्स सीन, वेरी गुड. मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने KGF को काव किया है, आई थिंक ये उनकी आदत जैसी बन गई है कि आने वाली फिल्म भी वो इसी तरीके से बना रहे हैं और जिस पैलेट में बनाया है, आई मीन इट्स रियली गुड, लाइक यूनिक फिल्म है. हाँ, ऑल थ्री. सेकेंड हाफ में थोड़ा लैग था बट ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि इमोशन बनाने के लिए वो चाहिए होता था तो ठीक है. हिंदी डबिंग कैसी है? इट्स गुड, नॉट वेरी गुड बट पृथ्वीराज का एक्चुअल वॉइस है तो दैट वॉज रियली गुड. एंड बाकी सब तो लाइक ठीक है, मतलब इट्स गुड. हाँ ओके, मतलब वो उतना फैक्टर नहीं आता बट पृथ्वीराज की एक्चुअल डबिंग है तो वो बहुत बढ़िया निकली है. एंड या दैट्स इट. सेकंड पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा. जिस तरीके से क्लाइमैक्स को टोन किया गया है, वेरी मच. हिंदी ऑडियंस को पसंद आई क्या फिर? जी जी, जरूर जरूर, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा. आई थिंक दिस इज अ कमबैक फिल्म फॉर सलार, फॉर प्रभास. मुझे लगता है कि जिस तरीके से बॉन्डिंग प्रशांत बनाती है, फॉर एग्जाम्पल आप KGF की बात करो, KGF में वो मदर सन का बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बनाया गया था, यहाँ पे वो फ्रेंडशिप का एंगल बहुत अच्छे से बनाया गया है तो वो केमिस्ट्री इज रियली गुड. एंड प्रशांत नील हैज कार्व्ड इट आउट वेरी ब्यूटीफुली. 4 बहुत अच्छी थी सर, बहुत अच्छी. प्रभास सर का एक्शन कैसे लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आई आपको फिल्म? हाँ बहुत पसंद आई. पब्लिक को पसंद आई क्या? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर. ऐसा एक्शन देखा था क्या कभी? बढ़िया नहीं, कभी नहीं देखा. बढ़िया, एक नंबर एक्शन. थैंक यू. पर्दा फाड़ दिया, 70mm का पर्दा फाड़ दिया. एंड दिस इज अ परफेक्ट कमबैक फॉर रेबल स्टार प्रभास. हैट्स ऑफ, जबरदस्त फिल्म, पैसा वसूल. एक्शन सीन्स कैसे लगे? बहुत बढ़िया. एक्शन सीन्स की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि इमोशन के साथ. एक्शन सिर्फ कराटे या गाड़ियाँ उड़ाना ये नहीं होता, एक्शन जब इमोशन के साथ होता है तो पब्लिक भी आपके साथ ज्वाइंट हो जाती है. बहुत बढ़िया, स्पेशली एक इंटरवल के बाद एक जो सीक्वेंस जहाँ पे बहुत सारी लेडीज रहती है, गर्ल्स रहती है, वो एक्शन सीक्वेंस में पैसा वसूल हो. सॉरी नहीं, बहुत बढ़िया. और ये एडल्ट्स क्यों रखी मुझे पता ही नहीं, ऐसा कोई सीन. नॉर्मल एक्शन फाइट थी, मुझे लगता है सबने देखनी चाहिए और ये जाएगी फिल्म, हिट हो जाएगी. माउथ ऑफ प्रॉब्लम. इसके अलावा फिल्म प्रतिभा सुकुमार ने जो मलयालम फिल्म के बाप है, क्या कहेंगे? नहीं, सबका काम अच्छा था. हर कैरेक्टर का एक बैकग्राउंड दिया है और उनको प्रेजेंट करने का तरीका जो आई थिंक प्रशांत नील, इसकी मेकिंग बहुत बढ़िया थी. ऐसा लग रहा था हम लोग कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं. बहुत बढ़िया. हाँ यस यस, यस वो हाईलाइट था उस फिल्म का. वहीं पे ऐसा लगा यार पिक्चर खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है चले जाएंगे वहाँ पे. बहुत सारी सिटी इज अ माइंड ब्लोइंग. अभी सलार 2 आएगी और उन्होंने आई थिंक प्रभास को ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए. यही प्रभास का परफेक्ट. ये साल में बहुत सारे कमबैक हुए, शाहरुख खान का कमबैक हुआ, सनी देओल जी का कमबैक हुआ, रजनीकांत जी का कमबैक हुआ और एक आदा शर्मा का भी कमबैक हुआ, तो जाते जाते प्रभास का भी कमबैक हो गया. 5 में से 5 जबरदस्त. अरे भाई क्या मूवी बनाते हैं यार प्रशांत नील, देख के तो मजा ही आ गया. मतलब अलग ही स्टोरीज, अलग ही एक्शन, मतलब ऐसा बना दिया. मतलब पार्ट 2 देखने का इंतजार में है हम लोग. देखा था इंडिया में कभी एक्शन? देखा ना भाई, KGF देखा, KGF 2 देखा, मतलब मजा आ गया यार. उसे भी बड़ा बवाल लग रहा था क्या? बवाल तो है ही यार, मतलब कुछ खुश हो गया. किंतु इसको जो पार्ट 1 जो देखा ना, इसके बाद जो 2 आएगा तो पूरा देखने के बाद वो पूरा थोड़ा सही लगेगा वो, इसलिए. हाँ हाँ, ऐसे शो तो ये अलग टाइप का ये है शो है. किंतु पहले वाला जो हुआ वो दूसरा जितना तक नहीं देखेगा वो पूरा मालूम नहीं आएगा ये सब फिल्म है जो. नहीं, ये बोल रहे हैं कि जब तक पार्ट 2 नहीं देखेगा पूरा समझ में नहीं आएगा. तो बात ऐसा है, लेकिन पार्ट 1 में ही मज़ा आ गया. ऐसा फाइटिंग, ऐसा एक्शन वगैरह, ऐसा फिल्म, मतलब बस प्रशांत नील से ही एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग. प्रभास का एक्शन तो मतलब बहुत ही बढ़िया था, मतलब बता नहीं पा रहे हो ऐसा है. इतना मजा, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब जितना तारीफ करो उतना कम है. पूरा पैसा उसल पिक्चर है, मानो मतलब मजा ही आ गया. बहुत बढ़िया लगा ये पिक्चर मेरे को. ये जो पिक्चर देखा सलार, बहुत अच्छा लगा. और इसके जो एक्शन है बहुत अच्छा लगा मेरे को. ये
पिक्चर देख के मेरे को जितना भी अभिज्ञता भी आया कि बस दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए एक्शन का भी। ऐसा तगड़ा एक्शन देखा? हाँ नहीं, एक्शन भी बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा एक्शन था, ऐसा कभी भी देखा नहीं, ये पहला एक पिक्चर में देखा मैंने। हिंदी समझ में आती है? हाँ मेरे को हिंदी तो पूरे समझ में आ रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग बंगाल से है तो मतलब बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा होता ना बंगाली लैंग्वेज में अगर बोल सकते हैं ना तो मतलब इसका बहुत तारीफ कर सकते थे, लेकिन हिंदी में थोड़ा मतलब अटक अटक के बात करना पड़ रहा है। हाँ ये तो बहुत दिन बाद ऐसा प्रभास का पिक्चर आया, जैसे बाहुबली का बात तो एक के बाद एक फ्लॉप ही जा रहा था, लेकिन ये कमबैक बहुत अच्छा ही है और शायद बहुत बढ़िया चलेगा ये मूवी। अच्छा जिन लोगों ने देखी नहीं उनको क्या रहेगा? जिन लोगों ने देखा नहीं हम तो बस यही बोल सकते हैं कि जरूर आके थिएटर में देखे पिक्चर, मजा ही आ जाएगा और जितना एक्सेप्ट किया उससे बढ़िया ही मतलब यही होगा। आप लोगों को पैसा वसूल हुआ कि नहीं? पैसा वसूल मतलब बोलो मत, पैसा तो पूरा वसूल। चलो थैंक।